पलवल जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में आज खेलो हरियाणा यूथ गेम्स 2021 तैराकी में मेडल हासिल करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल, वशिष्ठ अतिथि जिला खेल अधिकारी मैरी मसीह के खिलाड़ियों को ट्रॉफी व ट्रैक सूट देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि जिला खेल अधिकारी मैरी मसीह ने बताया कि हरियाणा यूथ गेम्स 2021 तैराकी में खेल में पलवल जिले के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर गोल्ड मेडल हासिल किया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए जिला तैराकी एसोसिएशन की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें खिलाड़ी को एक ट्रॉफी व ट्रैक सूट प्रदान किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रेरित करना है। आप देखने अपने शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्या प्राइस दिया था? जो पहला खेलो हरियाणा हमारे अगली बार मनाया गया था 27 से 29 अगस्त, इसमें पलवल के कुछ खिलाड़ी थे जिन्होंने अपने राज्य स्तर पे पदक पाए थे, और स्विमिंग में पलवल के जिलों के बच्चों की चैंपियनशिप थी। तो उसी के उपलक्ष्य में थोड़ा सा बच्चों को मोटिवेट करने के लिए जो इनके स्विमिंग के प्रधान हैं और उन द्वारा कोशिश की गई कि थोड़ा सा बच्चों को इंसेंटिव दिया जाए ताकि मोटिवेशन करके आगे ये और मेडल्स लेके आए। उसी के लिए हमने आज छोटा सा फंक्शन रखा जिसमें DO साहब हमारे चीफ गेस्ट होंगे और कार्यालय स्टाफ है, सारा स्टाफ है मेरा खेल विभाग का। हम सब इनको बच्चों को सम्मानित करेंगे, छोटी एक शील्ड देके और एक जो भी छोटा मोटा मोमेंटो प्रधान जो हमारे हैं स्विमिंग के, उनके द्वारा स्विमिंग के बच्चों को वेट लिफ्टिंग और दो बच्चे जो है बॉक्सिंग में मेडल लेके आए तो उनको दिया जाए। जी, मेरा नाम मयंक यादव है। मैं यहाँ पलवल में 2-3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ स्विमिंग। अभी जो खेलो हरियाणा कंपटीशन हुआ था गुड़गांव में, उसमें मैंने पार्टिसिपेट करा था। उसमें मैंने काफ़ी कुछ सीखा कि क्या आपको करना होता है, क्या आपको नहीं करना होता। उसमें मेरी परफॉर्मेंस भी ट्रेनिंग के हिसाब से बहुत अच्छी रही। अब आगे यहाँ पे सफ़र ख़त्म नहीं है, अब मुझे और प्रैक्टिस करनी है और हार्डवर्क करना है ताकि मैं नेशनल में जाके कर सकूँ। खेलो हरियाणा से हमें फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिल गया है, तो उससे हम और आगे जाएंगे और अपने स्टेट का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, बोलो। मेरा नाम समृद्ध है, मैं 8 साल से स्विमिंग कर रहा हूँ और खेलो हरियाणा में पार्टिसिपेट करा है मैंने। मेरे 7 गोल्ड मेडल हैं और मेरे को फाइनेंशियली सपोर्ट करा जा रहा है ताकि मैं नेशनल में जाकर स्टेट का नाम रोशन कर पाऊँ। सरकार की कैसी योजना है हरियाणा सरकार की? ये खेलो हरियाणा बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ताकि टैलेंटेड एथलीट्स को प्लेटफॉर्म मिले और वो स्टेट का नाम और देश का नाम आगे जाके रोशन कर सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमवीर है, मैं पलवल स्विमिंग एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आज हमें इन बच्चों को इसलिए बुलाया है ताकि इनका मान सम्मान हो, ये आगे जाके और अच्छा करें। स्विमिंग एसोसिएशन की तरफ से इनको प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि इनको देखकर और बच्चे भी स्विमिंग में अच्छा करें।